चिंगारी, जोश है और जुनून है और जज्बा है चिंगारी, सारा जहां दीवाना मुट्ठी में दुनिया सारी, जोश है और जुनून है और जज्बा है चिंगारी। सुबह सुबह नाम हमारा, हम में भी कुछ बात है, जो ठान लिया वो कर जाना है, उसमें ही कुछ खास है, ख्वाबों को हकीकत के रंगों से सजाना है, हर रंगी हकीकत को फिर से पंख लगाना है। मंजिलें पीछे हम हैं, आगे हमसे सारा जहां, जहां देखो अपना जलवा, हम दुनिया के बादशाह। दिलकश है अंदाज हमारा, यारों हम कमाल है, लोग मिसाले देते अपनी, हम तो बेमिसाल है। नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर पहुंचे मेरठ जोन के एडीजी प्रशांत कुमार ने कांवड़ यात्रा को लेकर प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। जुलाई माह में कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, जिसकी तैयारियों को लेकर प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। वहीं मंगलवार को एडीजी मेरठ जोन प्रशांत कुमार मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए पुलिस बल के साथ ही अर्धसैनिक बल भी तैनात किया जाएगा। वहीं वाहनों के रूट डायवर्जन का चार्ट भी तैयार कर लिया गया है। सभी कांवड़ मार्गों को निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी दौरान एसएसपी मुजफ्फरनगर, एसएसपी सहारनपुर, एसपी शामली सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। जुलाई महीने के मध्य से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी और श्रावण के तीसरे सोमवार तक मैक्सिमम भीड़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में रहती हैं और उस दौरान लोग हरिद्वार से जल लेके अपने अपने गंतव्य स्थानों के लिए मूव करते हैं। और सबसे बड़ा जो रश है वो मुजफ्फरनगर में रहता है और यहीं से लोग विभिन्न दिशाओं में मूव करते हैं जल लेके। ऐसी स्थिति में कांवड़ मेला को सकुशल संपन्न कराना पुलिस का के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और पिछले दो वर्षों से हम लोगों ने ये यात्रा पूरी शांतिपूर्ण कराई है। इसकी तैयारी का जायज़ा लेने के लिए ही आज मैं स्वयं मुजफ्फरनगर आया हूँ और इस रेंज के सभी एसएसपी को बुलाकर हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के दौरान हम लोग विशेष रणनीति बनाएंगे और ये देखा जाएगा कि जो श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और करोड़ों की संख्या में आते हैं, उनको कैसे बेहतर सुविधा दी जा सके और उनको सब कम से कम कठिनाई हो, इसके लिए हम लोग कार्य योजना बनाएंगे। इसके अतिरिक्त हम क्या कुछ नया ऐसा करें जिससे कि उन पे उनके आवागमन में
कोई दिक्कत ना हो, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सर, क्या कोई खास योजना है इस बार कवर्ड यात्रा की? हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हम तकनीकी रूप से कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे कि हम पूरी मॉनिटरिंग करते रहें, ताकि कोई अगर गड़बड़ी करना चाहे तो हम उस पर समय के पूर्व ही उसको उस पर कार्रवाई कर सकें, या ऐसे प्रेशर पॉइंट्स हम आइडेंटिफाई करें जहां बहुत ज़्यादा रश रहता है, तो उसको कैसे हम और सुगम बनाएं लोगों के मूवमेंट को, ये हमारा ध्येय होगा। और हम लोग इसमें जितने भी समाजसेवी संस्थाएं तथा अन्य जो यहां पर एनजीओस चल रहे हैं उनके भी सहायता लेंगे। सर, मुजफ्फरनगर की फोर्स के अलावा कोई बाहर का फोर्स भी लगाया जाएगा? हाँ, और भारी संख्या में फोर्स मुजफ्फरनगर में लगाया जाएगा और पूरे उत्तर प्रदेश से फोर्स पूरे क्षेत्र में लगेंगे। इसके अतिरिक्त पीएसी और अर्धसैनिक बल भी मिलते हैं परंपरागत तरीके से, तो उनका भी उपयोग किया। ड्रोन कैमरे हैं, मैंने आपसे बताया कि तकनीकी दृष्टिकोण से भी हम लोग इस बार कुछ और अच्छा करना चाहते हैं, ताकि जो हमारे श्रद्धालु आते हैं उनको कोई कमी ना हो। इसके अलावा मोबाइल वैन पे भी हम क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब प्रसारित कराते रहेंगे। कुछ जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं, किसी अगर कोई कठिनाई हो वो भी हम फ्लैश बोर्ड पे फ्लैश करेंगे, ताकि अगर किसी को कोई कठिनाई हो तो तत्काल रूप से वो सूचना उन नंबरों पे दे। सर, अलर्ट की बात की गई, कोई इनपुट? अभी तक तो कोई स्पेसिफिक अलर्ट नहीं है, लेकिन चूँकि करोड़ों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं तो उनकी भीड़ को देखते हुए हम लोग काफ़ी अलर्ट हैं कि किसी के साथ कोई दुर्घटना न हो, असुविधा न हो, और जिस कार्य के लिए आए हैं वो आबाधिक तरीके से पूर्ण करके वो लोग अपने अपने गंतव्य स्थानों पर सक्सेसफुल लौटें। सर, कवर्ड यात्रा के लिए किस तरह का स्वागत रहेगा डीजे वगैरह पे? मैं जो भी परंपरागत चीज़ें पहले से होती आ रही हैं, और जैसे अन्य त्योहारों में जो परंपरागत चीज़ें हैं, परंपरागत चीज़ों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, और चीज़ें सही तरीके से सब संपन्न करेंगे। सर, कांवड़ यात्रियों के स्वागत के लिए इस तरह पिछली बार कुछ व्यवस्था की गई, इस बार भी कुछ अलग? अब जब वो समय आएगा तो उस पर उचित निर्णय लिया जाएगा, आप सबको अवगत कराएंगे। जनपद शामली के आदर्श मंडी थाना क्षेत्र में एक ट्रक ने युवक को कुचल डाला, जहां युवक तड़पता रहा और आसपास खड़े लोग वीडियो बनाते रहे, लेकिन बेरहम लोगों ने युवक को अस्पताल पहुंचाना जरूरी नहीं समझा। शामली जनपद के आदर्श मंडी थाना इलाके में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। MSK रोड पर पैदल चल रहे एक युवक को ट्रक ने कुचल दिया, जिससे युवक की मौके पर ही तड़प तड़प कर मौत हो गई, और वहीं पर मौजूद लोगों की भीड़ ने घायल को अस्पताल ले जाने के बजाय वीडियो बनाने में मशगूल रहे। लेकिन वहां पर मौजूद भीड़ ने ना तो पुलिस को सूचना दी और ना घायल को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस को बुलाया। जैसे तैसे पुलिस को सूचना मिली, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। दरअसल मामला आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के MSK रोड स्थित सिसोली बस स्टैंड का है, जहां पर करीब 26 वर्षीय अज्ञात युवक पैदल चल रहा था, तभी धीमानपुरा फाटक की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को कुचल दिया, और घटना के बाद आरोपित ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद आसपास के लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। युवक दर्द से तड़पता रहा और लोगों की आंखों में झांक कर देखता रहा, शायद कोई उसे अस्पताल तक पहुंचा देगा, लेकिन मानो जैसे मानवता खत्म हो गई है। युवक तड़पता रहा और युवक की लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। युवक धीरे धीरे काफी देर तक बोलने का साहस करता रहा, मगर लोग अपनी वीडियो बनाने में इस कदर मशगूल थे कि उन्होंने युवक की सुनने की कोशिश नहीं की कि युवक दर्द से तड़प रहा है, और कुछ देर बाद युवक ने सिसक के आखिरकार दम तोड़ ही दिया। घटना के करीब 15 मिनट बाद पुलिस युवक को लेकर अस्पताल पहुंची और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया, और चंद मिनटों के बाद ही युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, जिसे देखकर बुद्धिजीवी वर्ग में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली यह घटना फिजाओं में तैर रही है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। हाँ, एक मृतक अवस्था में अज्ञात युवक लाया गया है पुलिस के द्वारा अंडर डाल के। कहाँ बताया गया एक्सीडेंट होना? ये कोई शामली में पाल होटल पड़ता है, उसके आसपास घटनास्थल बताया गया पुलिस के द्वारा। अज्ञात वाहन ने कुचला है सर?
हाँ पता है तो पुलिस के द्वारा यही गया कि अज्ञात वाहन से कुछ ला यहाँ तो मृतक अवस्था में लाया गया था। सर कितनी उम्र होगी इसका कुछ पता नाम पता होगा? 25, 26, 27 साल। जनपद सहारनपुर में बैरियर तोड़कर भाग रहे बाइक सवार बदमाशों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। सहारनपुर के पौष कॉलोनी में आवास विकास में चेकिंग बैरियर तोड़कर भाग रहे बाइक सवार दो बदमाशों से मलीपुर रोड पर पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वह गिर गया, जबकि दूसरा फरार हो गया। घायल बदमाश को पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उसने अपना नाम सलमान निवासी मुजफ्फरनगर बताया। आपको बता दें कि घटना सोमवार देर रात करीब 1 बजे की है। एसपी सिटी विनीत भटनागर के आदेशानुसार पौष कॉलोनी आवास विकास में कोतवाली सदर बाजार पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार दो युवक चेकिंग बैरियर तोड़कर मलीपुर रोड की ओर भागने लगे, जिन्हें मलीपुर रोड पर रामनगर गांव से आगे पुलिस ने घेर लिया। खुद को घिरता देख इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई, तो इस बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे वह मौके पर ही गिर गया, लेकिन इसका एक साथी मौके से फरार हो गया। गोली लगने से घायल बदमाश के कब्जे से 315 बोर का तमंचा, एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। बाइक पर सहारनपुर का नंबर है, इसकी जाँच की जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि सलमान पर 12 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। देखिए, ये रात्रि में लगभग 1 बजे की बात है, आवास विकास चौकी के पास में जो है जो रूटीन की चेकिंग हमारी हो रही थी, थाना सदर बाजार की पुलिस यहाँ पे चेकिंग कर रही थी। इस बीच में दो बदमाश जो निकले, जिनको रोका गया, परंतु रुके नहीं, पुलिस पर उन्होंने फायर किया है। इस बात पर जो है सभी पिकेट्स को अलर्ट किया गया और पुलिस पार्टी के द्वारा जो है जान जोखिम में डाल के उसका पीछा किया गया। मल्लीपुर रोड पर रामनगर से थोड़ा सा आगे चल के जब पुलिस पार्टी ने उनको रोका, तो उन्होंने दोबारा पुलिस के ऊपर फायर किया है, जिस पर आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी फायरिंग करी। एक बदमाश तो अंधेरे का फायदा उठा करके खेत में भाग गया, जिसकी कॉम्बिंग कराई जा रही, जैसा कि आपने देखा अभी। और जो दूसरा बदमाश था, देखा गया कि उसके संभवतः जो है उसके चोट हील हुआ, पैर में गोली लगी है, तो एक मोटरसाइकिल तमंचा छोड़ के वो भाग गया। एक बदमाश भाग गया, दूसरा बदमाश जो है मौके से घायल अवस्था में पकड़ा गया, जिसको तुरंत ही चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। पहचान हुई इसकी, कहां का है, कौन? हाँ हाँ, इसकी पहचान हुई है। इसके बारे में ये काफ़ी कुख्यात अपराधी है, ये स्ट्री शीटर है, मुजफ्फरनगर कोतवाली नगर क्षेत्र का मदीना मस्जिद क्षेत्र का रहने वाला सलमान बताया गया है, जिसके ऊपर भारी मात्रा में जो है लूट के मुकदमे उत्तराखंड, हरियाणा और यूपी की पुलिस में जो है दर्ज हैं। अभी तक प्रारंभिक रूप से ये जानकारी मिली है, जानकारी ये मिली कि उसके पास से एक मोबाइल फ़ोन मिला, जिसके बारे में बताया गया कि उसने स्वीकार किया कि लूटा है। बाकी उससे जो है जो उसका चिकित्सा चल रही है, उसके साथ साथ उससे पूछताछ करी जाएगी। और कुछ वेपन बरामद हुए? हाँ, जैसा मैंने आपको बताया कि मौके पर एक तमंचा छोड़ के बदमाश भागा है, एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। जनपद लखीमपुर खीरी की कोतवाली मोहम्मदी पुलिस ने सट्टा माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया, जहां 5 सटोरियों को नकदी व अन्य सामग्री सहित गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में सट्टेबाजियों का कारोबार चरम सीमा पर चल रहा है, जिसका पर्दाफाश करने के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत थी, और इसी के चलते जिले के ही कोतवाली मोहम्मदी में पुलिस ने छापेमारी कर 5 अभियुक्तों सहित सट्टेबाजी में लगाए जा रहे रुपयों को बरामद किया है। बताया जा रहा है कि यह सट्टेबाज काफी समय से मोहम्मदी में सट्टेबाज का कारोबार चला रहे थे, जिसमें पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 5 सट्टे कारोबारियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 7,010 रुपया नगद, 2 गत्ता पैड, 2 पेन व सट्टा पर्ची व 5 मोबाइल पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस ने पकड़े गए सभी अभियुक्तों को संबंधित धाराएं लगाकर जेल भेज दिया है। कस्बे में सट्टे की सूचना प्राप्त हो रही थी, जिसके अंतर्गत ये मामली पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें जो है सट्टा करते और खेलते 5 लोग गिरफ्तार कर जेल भेजा जाता है।
जनपद लखीमपुर खीरी पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह का खुलासा करते हुए भारी संख्या में महंगे मोबाइल बरामद किए। एक बार फिर लखीमपुर खीरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पर पुलिस ने जिले में काफी समय से सक्रिय मोबाइल चोरों के गिरोह का खुलासा कर भारी मात्रा में मोबाइल बरामद किए हैं और एक प्रेस वार्ता कर बरामद मोबाइलों को उनके मालिकों को सौंपा है। दरअसल लखीमपुर खीरी जिले में काफी समय से मोबाइल चोरों का गिरोह सक्रिय था, जो लोगों के महंगे मोबाइलों को चुराकर दूसरी जगह पर बेच देते थे। इसी के चलते पुलिस अधीक्षक पूनम के दिशा निर्देश पर साइबर सेल क्राइम ब्रांच द्वारा एक चलाए गए अभियान के तहत उनकी टीम ने विभिन्न जगहों से चोरी किए गए 33 मोबाइलों को बरामद किया है, जिसमें एक प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक पूनम ने चोरी किए हुए मोबाइलों को उनके स्वामियों को सौंप दिया, जिनके मोबाइल चोरी हो जाने की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई गई थी। बरामद हुए मोबाइल फोनों की कीमत 3,23,730 रुपए बताई जा रही है। मोबाइल मिलने पर लोगों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। मोबाइल की बरामदगी ये जो मोबाइल किसी के गुम हो गए थे या फिर कुछ जो मोबाइल चोरी हुए थे, कुल 36 मोबाइल ये बरामद किए गए, जिनमें से 33 मोबाइल ऐसे हैं जो गुम हुए थे, उनकी कुल कीमत 3,23,730 है। इसके अलावा 3 मोबाइल जो चोरी से संबंधित थे वो मुकदमे से कनेक्ट हो गए हैं, तो वो 3 मोबाइल थानों पर मुकदमों के जरिए डिस्पोजल के जरिए सपुर्द किए जाएंगे। जो गुमशुदगी वाले 33 मोबाइल थे वो आज यहाँ उनके जो वादी हैं उनका पहचान पत्र और बिल देख कर उनको सुपुर्द किए गए हैं। जनपद बरेली के थाना शाही क्षेत्र में मिर्जापुर शाही मार्ग पर कटान जारी है, जिसके चलते भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बरेली के शाही मिर्जापुर मार्ग को कुछ ही माह पहले बने पुल पर विभाग से लगभग करोड़ों रुपए पानी में बह दिए गए, जबकि मार्ग बनाने के बाद से ही क्षेत्रीय जनता सुरक्षा दीवार बनाने की मांग कर रही थी और इस संबंध में अधिकारियों को लिखित में भी दिया था। जब इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई तो शाही कस्बे के सत्ताधारी सभासद नरेश पंडित सहित कई गणमान्य लोग, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और विभाग के कई बड़े अधिकारियों को भी लिख कर दिया गया, मगर विभाग और अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और जिसका डर था आखिर वही हुआ। बारिश होने से जब शाही के बिगुल नदी में पानी के तेज प्रवाह ने मिर्जापुर शाही मार्ग की साइड पड़ी मिट्टी को कटान ने अपनी चपेट में लिया और मिर्जापुर शाही मार्ग पर फिर संकट के बादल मंडराने लगे और शाही मिर्जापुर मार्ग कटान की चपेट में आ गया। विभाग द्वारा बने कई करोड़ों रुपए का खर्च होने के बाद भी क्षेत्रवासियों को कोई लाभ नहीं मिला। विभाग की लापरवाही के चलते शाही नगर पंचायत वार्ड 3 के सभासद नरेश शर्मा ने बताया कि क्षेत्रवासियों का मन बड़े आंदोलन की ओर है। जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा रुहाना में परिवहन विभाग व प्रशासन द्वारा ओवरलोडेड वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें कई वाहनों के चालान काटे गए। जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा रुहाना में एसडीएम सदर और परिवहन विभाग द्वारा ओवरलोडेड वाहनों व खनन माफियाओं के विरुद्ध अभियान चलाया गया, जहां हाईवे से गुजरने वाली ओवरलोडेड वाहनों पर कार्रवाई की गई, वहीं कई वाहनों को सीज भी किया गया। अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। ये गाड़ियाँ सुबह टोल प्लाजा पर रुकी थी और ये सभी गाड़ियाँ गिट्टी और रेत से भरी हुई हैं और सभी गाड़ियाँ ओवरलोड हैं। सभी गाड़ियों को खनन इंस्पेक्टर द्वारा खनन की कार्रवाई की जा रही है और हमारे द्वारा ओवरलोड की कार्रवाई की जा रही है और सभी गाड़ियों को खनन सीज किया जा रहा है। अभी ये 5-6 गाड़ियाँ अभी पेपर आए अभी और जितनी भी गाड़ियाँ होंगी सबको सीज किया जाएगा। कांटे की कांटा कराने के लिए गई है, उन गाड़ियों में कितना वजन है वो कांटे की पर्ची के अनुसार ही पता चलता है, इसलिए गाड़ी को कांटा कराने के लिए भेजा गया। रूटीन वर्क ये चलता रहता है, जितने भी ओवरलोड वाहनें चल रही हैं काफ़ी शिकायतें प्राप्त हो रही है, उसी को लेकर आज एसडीएम साहब के द्वारा जो है करीब सुबह 8:30 बजे जो सभी गाड़ियों को दबोचा गया है। अच्छा, तो जांच चल रही है और आगे कार्रवाई जो भी है की जाएगी और डीएम साहब के अनुमोदन से गाड़ियां छोड़ी जाएगी। अभी 4-5 दिन पहले भी चेकिंग चला था, जिसमें कितने चलान करे थे गाड़ियों के? पिछले बार जो गाड़ियां के ड्राइवर भाग गए थे तो हमने कोई चलान नहीं करा था, आज हम चलान कर रहे हैं, गाड़ियां सीज नहीं हो पाई थी पिछली बार, आज हम कर रहे हैं। तो ड्राइवर कोई आया नहीं था फिर? नहीं, गाड़ी छोड़ के चले गए? नहीं नहीं, सारी हाँ नहीं, चलान आरटीओ का हुआ था, ऑनलाइन चलान हुआ था, अपना ऑनलाइन चलान नहीं, अपनी गाड़ी सीज होती है।
जनपद लखीमपुर खीरी में प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाले का आरोप लगाते हुए स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंप कर जाँच की मांग की। सच सच होता है, हौसला बनाए रखें, जीत निश्चित होगी। सच को डराया जा सकता है लेकिन दबाया नहीं जा सकता। ऐसा ही एक प्रकरण सामने आया है जहां एक अखबार के पत्रकार विशाल भारद्वाज द्वारा सभासद पति पर पीएम आवास बनवाने की खबर समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जब मामले की जानकारी सभासद को हुई तो वह पत्रकार पर दबाव बनाने लगा तथा खबर न प्रकाशित करने के हर हथकंडे अपनाने लगा। इसके बाद खबर से बौखलाए सभासद अपने 8-10 दबंगों के साथ दूसरे अखबार के ब्यूरो कार्यालय में पहुंच गया जहां से इस मामले का कोई संबंध नहीं था। वहां पर ब्यूरो सहित संपादक तक को धमकी दे डाली। दबंग सभासद पति कुटरचित होकर पीएम आवास बनवाने में कामयाब हो गया। जब इस मामले की जानकारी अधिकारियों के सामने आई तो प्रशासन में हड़कंप मच गया। इसके बाद अधिकारी मामले की जाँच कर उचित कार्रवाई करने को कह रहे हैं लेकिन मामला राजनीति के साथ काफी गंभीर होने के कारण कोई भी अधिकारी ने इसमें अभी तक कोई जाँच नहीं की है। शहर के मोहल्ला हिदायत नगर के सभासद पति नईम खान ने पीएम आवास अपात्र होकर बनवा लिया। जब इसकी खबर 17 जून को एक अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित की गई, तब वह पत्रकार एक दूसरे अखबार के कार्यालय में बैठा था। इसी बीच आरोपी नईम, करामत, कदीर सहित अपने 8-10 लोगों के साथ आकर आगे खबर न छापने के लिए कार्यालय में जमकर उत्पात मचाया। जिस घटना की तहरीर ब्यूरो चीफ सुनहरा द्वारा कोतवाली में दी गई और घटना से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया लेकिन दबंग सभासद पति नईम को बचाने के लिए सभी वर्गों के लोग आ गए। इसी बीच सच की लड़ाई लड़ने के लिए ब्यूरो चीफ अकेली पड़ गई, मगर सच्चे की ओर अपने पराये की पहचान हो गई। इसके बाद सभी पत्रकारों ने एक साथ होकर जिला अधिकारी खीरी शैलेंद्र कुमार सिंह को एक अनुरोध पत्र देकर मामले से अवगत कराया। जब मामला बढ़ता देख नईम हर तरफ से ब्यूरो के ऊपर दबाव बनाने लगा लेकिन दबंग सभासद के विरुद्ध मोहल्ला हिदायत नगर सहित सुनहरी मस्जिद के पास हर जगह से सबूत वीडियो फोटो आने लगे। शहर के बाहर भी लोगों ने बताया कि इस दबंग सभासद की जांच की जाए। इस घटना के बाद सभी लोगों ने ब्यूरो को इतना समर्थन दिया है और दे रहे हैं जिससे ब्यूरो चीफ का मनोबल बढ़ने लगा है तथा आगे की सच्चाई और लड़ाई लड़ने के लिए सभी साथ दे रहे हैं। जनपद मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन क्षेत्र की औद्योगिक चौकी इंचार्ज राधेश्याम यादव द्वारा पुलिस बल के साथ हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट लगाओ अभियान चलाया गया। शासन के आदेशों पर चलाए जा रहे हेलमेट पहनो और सीट बेल्ट लगाओ अभियान के तहत जनपद मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र की औद्योगिक चौकी पर इंचार्ज राधेश्याम यादव, एसआई अनिल कुमार व एसआई शिवराज तोमर द्वारा पुलिस बल के साथ चेकिंग अभियान चलाया गया जहां भारी संख्या में दुपहिया वाहनों को रोककर हेलमेट पहनने की सलाह दी गई। वहीं चार पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने की हिदायत दी गई। इस दौरान सैकड़ों दुपहिया वाहन चालकों के चालान काटे गए, वहीं हजारों रुपए समन शुल्क भी वसूला गया। पुलिस के इस चेकिंग अभियान से वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। जनपद मुजफ्फरनगर की छपार कोतवाली पुलिस ने शासन के आदेशों पर हेलमेट पहनो अभियान चलाया जहां वाहन चालकों को हेलमेट पहनने की सलाह दी गई। सोमवार की दोपहर रोहाना छपार रोड पर स्थित कोतवाली पर वरिष्ठ उपनिरीक्षक केपी सिंह, उपनिरीक्षक शौकीन खान, उपनिरीक्षक बीबी शर्मा, उपनिरीक्षक विजेंद्र शर्मा, कांस्टेबल सन्नी चट्टा के साथ मिलकर दर्जनों वाहनों के चालान काटे। प्रदेश सरकार के द्वारा हेलमेट पहनने को जरूरी करने को लेकर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। एसएसपी मुजफ्फरनगर समस्त जनपद में हेलमेट पहनने को लेकर सघन अभियान चलाया गया। छपार पुलिस ने युद्ध स्तर पर चेकिंग अभियान चलाकर दर्जनों वाहनों के चालान काटे तथा जिन पर वैध कागजात नहीं मिले उन्हें सीज कर दिया गया। इस दौरान दुपहिया वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। पुलिस के भय से कुछ दुपहिया वाहन आपस में टकराकर गिरे। पुलिस द्वारा की जा रही जबरदस्त चेकिंग के दौरान क्षेत्र के अनेकों प्रधान अपने अपने समर्थकों की सिफारिश करते नजर आए लेकिन छपार पुलिस ने चेकिंग में कोई कसर नहीं छोड़ी।
जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा छपार में जमियत यूथ क्लब द्वारा छबील का आयोजन किया गया, जिसमें राहगीरों को शरबत पिलाया गया। भयंकर सूखे की चपेट में आए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आम जनमानस अनेकों स्थानों पर पानी के प्याऊ छबील लगा रहा है। तेज धूप में तपते लोगों को पानी, शरबत, जलजीरा आदि पिलाकर नरसेवा नारायण की भावना से सेवा कर रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को जिला मुजफ्फरनगर के कोतवाली छपार में हाईवे पर जमियत उलेमा हिंद के जमियत यूथ क्लब छपार के सौजन्य से विशाल प्याऊ लगाया गया, जिसमें जमियत यूथ क्लब के छात्रों द्वारा रास्ते में चलने वाले राहगीरों के साथ साथ कारों, बसों व ट्रकों में सफर करने वालों को भी शरबत पर पानी पिलाया गया। इस मौके पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जमियत उलेमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना जाकिर, मौलाना हुसैन कासमी, मुफ्ती बिन यामिन, कारी आरिफ, कारी सादगी, इकराम कुरैशी, डॉक्टर गयूर त्यागी, जमियत यूथ क्लब छात्र शाहरुख सहित आदि भारी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं कस्बा छपार में बस स्टैंड पर भी प्याऊ लगाया गया। गर्मी का मौसम है, शदीद गर्मी हो रही है, तो राहगीर जो राह से गुजर रहे हैं, आज जमियत यूथ क्लब के शाख छपार की तरफ से यहाँ एक शरबत वितरण का ये कैंप लगाया गया है और ये सिलसिला हमारे जनपद में चल रहा है। आज हमारा 5वां कैंप है, इससे पहले भी जलेड़ा, सीगरी, केवड़ा, सूरबू में इस तरह के कैंप कर चुके हैं। आज यहाँ राहगीरों को शरबत पिलाया जा रहा है। मौलाना साहब, इस छबील के लगाने का क्या मकसद है? मकसद यही है, इंसान की खिदमत है, प्यासों को पानी पिलाओ। हमारे तो मजहब की तालीम है कि प्यासों को पानी पिलाओ, अल्लाह जन्नत से पानी पिलाएगा। नंगों को कपड़ा पहनाओ, अल्लाह जन्नत से लिबास पहनाएगा। भूखों को खाना खिलाओ, अल्लाह जन्नत से खाना खिलाएगा। हमारा यकीन है, एतमाद है। तो हम तो ये चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा मैसेज जाए, समाज खिदमत हो, भाईचारा कायम हो, और ख़ासतौर से जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ही ये है कि उन्हें आम इंसानों की खिदमत करनी है, देश सेवा करनी है, जनसेवा। जनपद मुजफ्फरनगर के लद्दावाला स्थित इस्लाह उल ख्वातीन जूनियर हाई स्कूल के स्टाफ ने स्कूल की दीवार के नीचे डाले जा रहे कूड़े के विरुद्ध जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। इस्लाह उल ख्वातीन जूनियर हाई स्कूल के समस्त स्टाफ ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर नगरपालिका द्वारा स्कूल की दीवार के नीचे कूड़ा डालने का विरोध करते हुए एक प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। साथ ही बताया कि हमारा स्कूल लद्दावाला के जिला चिकित्सालय के दक्षिण में स्थित है। विद्यालय में लगभग 500 छात्राएं अध्ययनरत है, में 15 अध्यापिकाएं व कर्मचारी सम्मिलित हैं। पिछले कई माह से नगरपालिका के कर्मचारी स्कूल के पिछले दरवाजे पर गंदगी व कूड़ा डाल रहे हैं। मना करने पर भी वह बाज नहीं आ रहे हैं, जिसमें कूड़े पर कुत्ते व सुअर विचरण करते रहते हैं, जिससे स्कूल प्रांगण में दुर्गंध व नालियों का गंदा पानी कीचड़ आ रहा है। ऐसे में छात्राओं का पढ़ना व अध्यापिकाओं का पढ़ाना बाधित हो रहा है। इस दुर्गंध तथा गंदगी से बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना है। इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चों के स्कूल में आने से पहले ही वहां पर डाला गया कूड़ा हटवाया जाए और वहां पर कूड़ा न डाला जाए। मैं इस्लाह उल ख्वातीन जूनियर हाई स्कूल की प्रधान अध्यापिका हूँ। हमारा स्कूल लद्दावाला में सिटी हॉस्पिटल के पीछे स्थित है, तो वहाँ पर ललिता स्कूल के पास जो डलाव घर बना है वहाँ पर कूड़ा नहीं डाला जा रहा है, बल्कि कूड़ा हमारे स्कूल के पीछे की दीवार के पीछे डल रहा है, जिसमें दिन भर सुअर, कुत्ते वगैरह वितरण करते रहते हैं और तमाम वहाँ पर ढेर लगा हुआ है गंदगी का, बदबूदार पानी का। और आज जो स्कूल खोलने हम लोग गए और वहाँ सफाई व्यवस्था करने के लिए, तो सारा गंदा पानी हमारे स्कूल की दीवार से होकर के बरामदे में और आंगन में आ रहा है और उसमें निहायत बदबू है, जिसमें हमारा भी बैठना और बच्चों को अध्ययन कराना बहुत मुश्किल कार्य है। अतः हमारे जिलाधिकारी से विनम्र निवेदन है कि वो इस समस्या का समाधान शीघ्र अतिशीघ्र पहले जुलाई से पहले करवाने का कष्ट करें, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े और समस्त छात्राएँ जो हैं वो शांतिपूर्ण अच्छे वातावरण में अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकें। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा है कि 2 दिन के अंदर इस समस्या का समाधान होगा और वह स्वयं जाकर उसका निरीक्षण करेंगे। जनपद मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट में पहुंचे भाकियू भानु के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। मुजफ्फरनगर की कचहरी परिसर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन के दर्जनों कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष पंडित धर्मेंद्र शर्मा के नेतृत्व में जिलाधिकारी महोदय से मिले और एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसानों की समस्याओं से संबंधित कई मांगे की गई हैं कि किसान आयोग का गठन जल्द से जल्द किया जाए, किसान आयोग के गठन के दौरान सभी सदस्य किसान ही रखे जाए, आयोग का अध्यक्ष किसान ही रखा जाए, किसान आयोग ही देश के किसान की फसल का रेट तय करेगा, सभी तरह के किसानों के कर्ज माफ किए
बजाय 50 साल से ऊपर जीवन यापन कर रहे किसानों व मजदूरों को 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में दिए जाए, जिससे वे अपना जीवन निर्वहन कर सके। दुर्घटना में मरने वाले किसान के परिजनों को 1 करोड़ रुपए जीवन यापन के लिए दिए जाए। सेना के जवान या पुलिस के जवान जो ड्यूटी के दौरान शहीद हो जाते हैं, उनके परिजनों को 5 करोड़ रुपए जीवन यापन के लिए दिए जाए। देश में जो किसानों का गन्ना बकाया भुगतान है, वह 10 दिन के अंदर जल्द से जल्द किया जाए। प्रदेश की हर तरफ टूटी सड़कों की मरम्मत की जाए, ऐसी बहुत सी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। इसमें आए हम, हमारी एक हरिद्वार में राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग हुई थी, उसमें किसानों की समस्याएं थी, जिनमें किसानों के लिए जो है पेंशन, उनके लिए किसान आयोग का गठन, अन्य समस्याएं जो थी किसानों की, उस संबंध में हुई थी। एक हमारा जो है क्षेत्रीय मुद्दा है, क्षेत्रीय मुद्दा ये है कि हमारे जो कम से कम सैकड़ों किसान रामराज खद्दर क्षेत्र में, जैसे धर्मपुरा जदीद, धर्मपुरा कदीम, हदी हटियावाला कदीम, हटियावाला जदीद, इन लोग गाँवों के लोगों की जमीन को जबरदस्ती वन विभाग ने कब्जा लिया है। मैंने सब फर्द वगैरह, खसरा कतौनी वगैरह डीएम साहब को दी है। तो क्या आश्वासन दिया डीएम साहब ने? कहा कि 10 दिन के अंदर हम इसमें पूर्णतः इसकी टीम बना के पूरी कार्रवाई करा के वन विभाग से जमीन को कब्जा मुक्त कराएंगे। और फिलहाल वक्त हो चला है हलचल इंडिया में फटाफट खबरों का। जनपद सहारनपुर की कोतवाली सरसावा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें बेटी का हत्यारा बाप निकला, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गांव के चौकीदार ने मामला संदिग्ध मानते हुए तहरीर दी थी। सरसावा प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार चौधरी ने चौकी की तहरीर को संदिग्ध मानते हुए मामले की जांच शुरू कर दी, जिसने उक्त घटना का खुलासा किया और मामला प्रेम प्रसंग का निकला। पिता ने अपनी पुत्री को गांव के ही एक लड़के के साथ देखकर क्रोध में आकर हत्या कर दी थी। मामला 22 जून 2019 का है, जब ग्राम मीरापुर सीतापुर थाना सरसावा निवासी तेजपाल व उसके परिवार के सभी सदस्य खेत में काम करने के लिए गए हुए थे। घर पर केवल तेजपाल की पुत्री आरजू मौजूद थी। खेत से लौटने पर राजेश ने गांव के ही एक लड़के के साथ पुत्री को बैठे देख गुस्से में आकर धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी थी। संबंधित मामले में प्रेस वार्ता कर एसपीसीटी विनीत भटनागर ने बताया कि घटना 22 जून 2019 की है, जब तेजपाल अपने खेत पर काम करने के लिए गया हुआ था। खेत से वापस लौटने पर उसने अपनी पुत्री को गाँव के ही एक लड़के के साथ बेड पर बैठे हुए देखा। पुत्री ने पिता को बताया कि वह लड़का उसी की इच्छा से घर में आया था। तेजपाल ने क्रोध में आकर अपनी पुत्री आरजू के सिर पर धारदार हथियार से वार कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तेजपाल ने गिरफ्तार होने के बाद कबूल किया कि उसी ने अपनी पुत्री की हत्या की है। वह हत्या में उपयोग किया गया धारदार हथियार उसने छुपा दिया था, जिसे वह दिखा सकता है। ये दिनांक 22 जून की बात है। गांव मीरपुर में सूचना मिली थी थानाध्यक्ष को कि एक गांव की एक जो है बालिका है, जिसको उसके जिसकी संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हो गई है और उसके परिवार वाले उसका दाह संस्कार करने के लिए ले जा रहे हैं। इस सूचना पर थानाध्यक्ष सरसावा के द्वारा जो है मौके पर गए और प्रथम दृष्टया जो देखा गया तो पाया कि उसकी मृत्यु जो है असामान्य परिस्थिति में हुई है। उसका पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें उसके सर पर हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट की चोट से जो है उसका मृत्यु होना पाया गया। जब इसमें तफ्तीश करी गई तो जानकारी हुई कि परिवार में ही जो है आपस में मतभेद के कारण संभवतः ऐसा बताया गया है, जो विवेचना में आया कि इस लड़की का किसी बालक से गांव के मिलना जुलना था, जो उसके पिता को पसंद नहीं था, उसी बात पर आवेश में आकर इसके पिता ने उसकी हत्या कर दी है। उसका खुलासा सहारनपुर के ये सरसावा थाने की पुलिस ने किया है। मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है और जो आला कत्ल है उसको बरामद किया गया है। ऑदर किलिंग तो कहना इसको ठीक नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे आवेश में आकर के जो है ये हत्या कर दी गई है, बिना इसके कारणों के बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से जानकारी किए बिना। तो आवेश में आकर इस तरह की घटनाएं हो जाती है, उसी के तहत ये घटना हुई है। किसकी ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई? ये रिपोर्ट गांव के चौकीदार की तरफ से दर्ज कराई गई, क्योंकि पहले से ही ये प्रतीत हो रहा था कि जो मृतका के जो परिवार वाले हैं उनका ज़रूर इसमें कोई ना कोई संदिग्ध रोल है। तो उनकी तरफ से जब कोई तहरीर नहीं आई तो गांव में जो पुलिस का प्रतिनिधि होता है चौकीदार, उसकी तरफ से जो है जो तहरीर प्राप्त हुई है, जिस पर कार्रवाई की गई है। परिवार के कोई अन्य सदस्य भी क्या इसमें शामिल हो सकते हैं? उनके खिलाफ जांच चल रही है? देखिए, विवेचना भी चल रही है, अभी तक इस प्रकार के साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन अगर इस प्रकार के साक्ष्य विवेचना के दौरान आते हैं तो निश्चित रूप से जो है उन साक्ष्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
गागलहेड़ी में हिंडन नदी में हो रहे अवैध कब्जे हटवाने, हिंडन नदी को साफ सुथरा बनाकर पेड़ पौधे लगाकर सुंदर बनाने के लिए अभियान चलाया गया। मंडलायुक्त के आदेश अनुसार हिंडन नदी को कब्जा मुक्त कराकर पेड़ लगाकर साफ सुथरी बनाई जाए। हिंडन नदी में कम से कम 20 किलोमीटर तक सफाई खुदाई कराकर पेड़ लगाने का कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जाएगा। यह कार्य एसडीएम सदर अनिल कुमार सिंह की देखरेख में अन्य विभाग के अधिकारियों को भी जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया है। एसडीएम सदर ने जानकारी देते हुए बताया कि हिंडन नदी की साफ सफाई की जाएगी। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा नदी की खुदाई कराकर नदी को कब्जा मुक्त कराकर इन विभाग को सौंप दी जाएगी और वन विभाग द्वारा नदी में प्लांटेशन कराया जाएगा ताकि हिंडन नदी साफ सुथरी और सुंदर बनाई जा सके। मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के पिल्लोखड़ी पुल स्थित कुमार वाली गली के रहने वाले कासिम नाम के युवक पर उसके ही दो दोस्तों ने तेजाब डालकर हमला किया जिससे कासिम गंभीर रूप से झुलस गया। कासिम को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका इलाज चल रहा है जबकि आरोपी फरार हो चुके हैं। पुलिस अधिकारियों की माने तो कासिम के ऊपर उसी के दोस्तों ने तेजाब डाला है जिसका नाम भी कासिम उर्फ कीड़ा व एक अन्य अजीम नाम का दोस्त है। इसी विवाद को लेकर दोनों दोस्तों ने ही कासिम के ऊपर तेजाब डालकर उसे घायल किया है। मौके पर पहुंची पुलिस भी अब जांच में जुट गई है और आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास में लगी हुई है। लेकिन तेजाब कांड की यह मेरठ के अंदर दूसरी घटना है। इससे पहले भी 6 दिन पहले मेरठ के ही जुरनपुर फाटक पर अज्ञात हमलावरों ने पति पत्नी पर तेजाब डाल दिया था जिसमें वह दोनों भी झुलस गए थे। अब सवाल यह उठता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बावजूद भी खुलेआम तेजाब कैसे बिक रहा है और कैसे यह तेजाब आम लोगों के हाथ लग रहा है जिससे लोग एक दूसरे पर तेजाब डालने की घटना को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि तेजाब कभी भी खुलेआम नहीं बिक सकता है। साथ ही जरूरतमंद को तेजाब खरीदने के लिए अपनी आईडी जमा करानी होगी जिसके बाद ही तेजाब मिल सकेगा। लेकिन मेरठ में कई ऐसी जगह है जहां पर खुलेआम तेजाब बेचा जा रहा है। बहरहाल कासिम अस्पताल में भर्ती है जबकि पुलिस उसके दोस्तों की तलाश कर रही है। लेकिन पुलिस सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और आदेश का कड़ाई से पालन नहीं कर पा रही है जिसके चलते इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं। ये अभी तक जो हम लोग को सूचना मिली है कि एक कासिम है, इसके ऊपर किसी ने ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया था, हाथ में थोड़ी सी जल गया ये। इसमें अभी इसने जो नाम बताए हैं ये इसके दोस्त ही हैं, कासिम उर्फ कीड़ा और एक अजीम है। तो तत्काल इसमें हम लोग अरेस्टिंग का दबिश दे रहे हैं और शीघ्र ही इसे गिरफ्तार करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सोमवार को तहसील में भाकियू भानु कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा के नेतृत्व में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर तहसील में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम अजय कुमार को देते हुए सरकार से मांग की है कि किसान आयोग का गठन किया जाए, उसका अध्यक्ष वह सदस्य किसान हो, 50 साल उम्र पूरी करने वाले किसान को 10,000 रुपए प्रति माह जीवन यापन पेंशन दी जाए आदि 17 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि आज प्रदेश सरकार किसान विरोधी सरकार है जिसके चलते किसानों का बकाया गन्ना भुगतान नहीं मिल पा रहा है। ज्ञापन देने वालों में रणपाल, शुभम कोशिश, रामकिशन, प्रीतम सिंह, प्रदीप कुमार, शेर सिंह, गोपीचंद राम अवतार आदि सहित कई लोग मौजूद रहे। सहारनपुर के चित्रों में पुलिस प्रशासन की सख्ती के बाद भी लोग सुधर नहीं रहे हैं। चित्रों पुलिस द्वारा बार बार हेलमेट पहनने की चेतावनी के बाद भी लोग बाज नहीं आ रहे। चित्रों थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार सिंह ने टीम के साथ मिलकर दर्जनों वाहनों के ई चालान किए जिससे वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। थाना अध्यक्ष ने आमजन को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित भी किया गया। उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार चित्रों थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह व एसआई बालेंद्र कुमार ने पुलिस टीम के साथ मिलकर चित्रों कस्बे के पेट्रोल पंप व संभावित स्थानों घुसगढ़ पुलिया के समीप हेलमेट, सीट बेल्ट, अन्य डॉक्यूमेंट को लेकर जबरदस्त वाहन चेकिंग अभियान चलाया। आमजन को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं दूसरी टीम में उप निरीक्षक संजय सिंह राणा ने पेट्रोल पंप व बैंकों के आसपास संदिग्ध लोगों से पूछताछ की। इस दौरान उन्होंने दर्जनों ई चालान भी किए। वहीं पेट्रोल पंप स्वामियों को अवगत कराया कि बिना हेलमेट पहने किसी भी दोपहिया वाहन पर बैठे व्यक्ति को तेल नहीं दे जिसका अच्छा खासा असर चित्रों के पेट्रोल पंप पर देखने को नजर आ रहा है।
उत्तर प्रदेश बहराइच के ग्राम शाहनवाजपुर ब्लॉक चितौरा अंतर्गत अनिल कुमार चौहान शहीद समाधि स्थल पर अनिल प्रधान वार्ड नंबर 36 जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी ने आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में पूरी टीम सहित भाग लिया। वृक्षारोपण करने के पश्चात प्रत्याशी अशोक कुमार गौड उर्फ अमित कुमार गौड युवाओं को पर्यावरण सुरक्षित रखने के लिए वृक्षारोपण के महत्व को बताया और आगे आकर वृक्षारोपण करने का आग्रह भी किया। यह कार्यक्रम जिला मुख्यालय से 9 किलोमीटर दूरी पर शहीद कमांडो अनिल कुमार चौहान समाधि स्थल पर आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में विश्वनाथ गांव रमुना गुप्ता रामदरस चौहान रामाश्रय लालता प्रसाद गुप्ता कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डिप्टी डायरेक्टर कृषि विभाग मौजूद रहे। यह कार्यक्रम शहीद अनिल कुमार चौहान अकेडमी द्वारा आयोजित किया गया था। ग्राम पंचायत शाहनवाजपुर मलवा बकुरा बेगमपुर सोरवा सहित कार्यक्रम में तमाम ग्राम पंचायतों के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अनिल प्रधान ग्राम प्रधान अनिल कुमार निषाद ने बताया कि वर्तमान समय में सुख सुविधाओं के लिए हम लोग तमाम प्रकार के वाहनों का उपयोग करते हैं। उससे निकलने वाला जहरीला धुआं वायुमंडल को इतना प्रदूषित कर देता है जिससे आए दिन नई नई बीमारियां उत्पन्न होती हैं। बिहार में मासूमों की मौत इसका प्रमाण है। यदि हम युवा अपनी प्रकृति के सौंदर्य को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे तो वह दिन दूर भी नहीं जब फ्री में मिलने वाले ऑक्सीजन को हम इस पृथ्वी से विलुप्त पाएंगे। ये यहाँ पे शहीद अनिल कुमार चौहान जी का ये स्थल है और यहाँ पर ग्राम के जो प्रधान जी हैं और जो ग्राम के वासी हैं यहाँ पर बृहद वृक्षारोपण का कार्य कराना चाहते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि भाई यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्य है और मुझे आमंत्रित किया तो मैं इस कार्यक्रम में शामिल होने आ गया। सर इसको प्रदेश स्तर से इसके लिए जो है कोई बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है, हर जगह वृक्षारोपण हो रहा है, जिले की क्या कमी चाहिए? जनपद की जनसंख्या लगभग 40 लाख है और 40 लाख वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में 40 लाख वृक्ष जो है पूरे जनपद में लगाए जा रहे हैं। हर व्यक्ति एक पौधा लगाना है, हर व्यक्ति को उस हिसाब से ये कार्य योजना बनाई गई है। बहुत सारे ग्राम पंचायतों में मनरेगा से वन विभाग से निःशुल्क पौधे भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हमारे प्रगतिशील जो पंजीकृत किसान हैं उनको भी निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ज़रूरत है कि उन पौधों को अच्छे प्रकार से लगाएं, मृदा कार्य अच्छे से करें, उसकी देखभाल करें और जितने पौधे लगाएं उसकी जो है देखभाल सही तरीके से करें, क्योंकि वृक्ष जो है हमारे वातावरण के लिए बहुत ज़रूरी है। जो वातावरण में विषैली गैसें फैल रही हैं उनको कम करने के लिए, जो वर्षा कम हो रही है उसमें वृद्धि करने के लिए और जो वृक्ष का जो हमारे वन का क्षेत्रफल होना चाहिए हमारे जनपद में वो उसकी वृद्धि करने के उसमें वृद्धि करने के लिए लगभग एक तिहाई क्षेत्रफल जो है 23% कम से कम होना चाहिए। देखिए आज जो है बड़ा हर्ष का दिन है हम लोगों के लिए। यहाँ पे हम लोगों के बीच में अभी डिप्टी डायरेक्टर सर आए हुए थे जनपद बहराइच से जी। तो यहाँ पे गांव के जो संभ्रांत लोग हैं, युवा हैं, इन्होंने एक प्लानिंग की अपने पास से पैसे चंदे इकट्ठे करके और 50 पौधों को खरीदा गया जिसमें नीम आम सहजन और अमरूद जैसे वृक्षों को जो है यहाँ खरीद के लाया गया है। आज पौधरोपण हुआ है। ये शहीद अनिल कुमार चौहान कमांडो जी का समाधि स्थल है और पर्यावरण को जिस तरीके से पूरे जनपद क्या प्रदेश स्तर या पूरे देश में जो है जिस तरीके से मुहिम चलाई जा रही है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, हम लोग उसी मुहिम को आगे ले जाने के लिए जो है प्रयासरत हैं और निरंतर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहेंगे, यही हम लोगों का जो है उद्देश्य है। हलचल इंडिया में आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।